नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए कमाल की ट्रिक लेकर आया हूँ, जिस ट्रिक की मदद से आप किसी भी अपनी फैमिली मेंबर, अपने दोस्त, अपने भाई या अपने ही फ़ोन के सभी SMS को अपने फ़ोन पर किसी दूसरे फ़ोन पर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस ट्रिक का यूज़ आप प्लीज़ गलत मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है JK कटारिया और आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्प। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों उसके बाद आपको बेल का आइकन दिखाई देगा, आप उसको भी दबा दीजिए। दोस्तों इससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों मेरी स्क्रीन पर आपको एक ऐप दिखाई दे रही है। दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। दोस्तों ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपको जहाँ पर लिखा है नंबर, आपको वहाँ पर वो नंबर ऐड करना है जिस पर आप SMS देखना चाहते हैं। दोस्तों ये फ़ोन मान लीजिए मैं इस फ़ोन के जो SMS है सभी वो अपने दूसरे नंबर पर देखना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मुझे वो नंबर टाइप करना होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं कोई नंबर एक टाइप कर लेता हूँ। देखिए फिर ये नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई और भी नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नंबर टाइप होने के बाद आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर अगर आप कोई अलग नंबर और डालना चाहते हैं तो आप वहाँ पर अलग नंबर भी डाल सकते हैं। तो चलिए वहाँ पर मैं एक नंबर और डाल लेता हूँ। फिर हम एक नंबर और डालने के बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए देखिए ये ऐड हो चुका है। दोस्तों ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर ऑफ लिखा है। दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और दोस्तों यहाँ से इस सेटिंग को ऑन कर दीजिए। तो चलिए देखिए दोस्तों ये मेरी सेटिंग ऑन हो चुकी है। एक ऐड मिलेगा तो आप ऐड को हटा दीजिए। दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड एग्जिट, आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर एक ऐड चलेगा, आप उस ऐड को भी हटा दीजिए। अब फ्रेंड्स आपका काम हो चुका है। अब दोस्तों जो भी SMS इस नंबर पर आएंगे वो सभी SMS आपको उस नंबर पर दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों इस नंबर पर भी SMS आएंगे और वो डायरेक्टली SMS उस नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन के SMS को अपने किसी दूसरे फ़ोन पर दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।